जाने के लिए सारा बंद करता हूँ मैं, और मैं ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर आ जाता हूँ जिसमें मेरी सारी मेन फंक्शनैलिटीज़ हुई हुई हैं। अच्छा, इस ऐप डॉट जे एस के अंदर मेरे पास एक फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से मैं सिटी का नाम लिखता हूँ और हिट करता हूँ जब भी मेरे पास वेदर आता है। लेकिन आम तौर पे वेदर ऐप में इस तरह नहीं होता है। वेदर ऐप में ये होता है कि जैसे ही आप खोलते हैं तो सामने आपको वेदर दिख रहा होता है पहले से, और उसी सिटी का दिख रहा होता है जिस सिटी में आप मौजूद हैं, ठीक है। तो ये पेज लोड होते ही मैंने ये काम कराना है। अच्छा, एच टी एम एल के टाइम पर भी हम जब प्लेन जावा स्क्रिप्ट की जब ऐप्स बना रहे थे तो उस टाइम भी हमने देखा था कि हमें पेज लोड होते ही एक कुछ काम कराने होते थे, तो वो हम कैसे करवाते थे? या तो हम ऑन लोड लगा देते थे, या तो हम सेल्फ कॉलिंग फंक्शन लगा देते थे, ठीक है। उससे क्या होता था कि जी वो जैसे ही पेज लोड होता था तो वो फंक्शन चलता था, मेरा वो काम हो जाता था, ठीक है। अगर मैंने डॉम पे कोई काम कराना होता था तो मैं क्या करता था, ऑन लोड पे या डॉक्यूमेंट रेडी करके चेक करता था, फिर मैं वो काम कराता था। तो इस तरह करके चीज़ें हम कर रहे होते थे। अच्छा, इसके अंदर ना वो सारे मसले इन्होंने बोला कि यार आपको हम तरीका बताते हैं, उससे करो आप। तो मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे कहा कि जी यूज़ इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। मैंने यूज़ इफेक्ट जैसे ही नीचे लिखा, ऊपर इसने ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया इस जगह पे, ठीक है, जो कि पहले इम्पोर्ट नहीं हुआ हुआ था। अच्छा जी, ये है सिंटैक्स मेरे यूज़ इफेक्ट का, ठीक है जी। ऐसे आप यूज़ इफेक्ट लिखोगे, और यूज़ इफेक्ट के अंदर आप पहले पैरामीटर में दोगे आप एक अदद फंक्शन, ठीक है, और दूसरे पैरामीटर में आप दोगे एक अदद एम टी एरे, ठीक है, जिसको हम डिपेंडेंसी एरे भी कह रहे होते हैं। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे, मैं कहता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, आई एम एन एफेक्ट, ठीक है। तो ये वाला जो काम है ना, ये पेज लोड होते ही क्या होगा, खुद से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम इफेक्ट के अंदर ये काम क्यों करवाते हैं, हम वैसे क्यों नहीं करवाते? अगर हम वैसे करवाएंगे तो सम टाइम वो हमारी मर्ज़ी के बगैर भी वो काम जो है ना बार बार, क्योंकि आपको पता है हर दफ़ा स्टेट चेंज होती है तो मेरा पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो मैंने कंपोनेंट के अंदर अगर इस जगह पे कोई फंक्शन खुद से कॉल किया हुआ है, कोई हिट किया हुआ है, तो क्या होगा, वो जब भी मेरा कंपोनेंट री रेंडर होगा ना तो वो पूरा का पूरा दोबारा चल पड़ेगा। यूज़ इफेक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यूज़ इफेक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। यूज़ इफेक्ट के अंदर ये होता है कि जी जब मैं चाहूँगा तो जब भी वो री रेंडर होगा, एक तो पहली दफ़ा चलेगा, उसके बाद दोबारा नहीं चलेगा, वो दोबारा जब मैं चाहूँगा जब चलेगा। अब वो दोबारा मैं कब चाहूँगा, तो ये एम टी एरे के अंदर मैं क्या देता हूँ, एक स्टेट प्रोवाइड कर देता हूँ उसको, जब भी वो स्टेट चेंज होती है तो एक दफ़ा ये दोबारा चल जाता है, ठीक है। तो ज़रा कंट्रोल्ड वे में, और ये इनका बताया हुआ तरीका है, उससे हम ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आई एम एन इफेक्ट चल रहा है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, आई एम एन इफेक्ट ये दो दफ़ा चल रहा है, ये दो दफ़ा इसलिए चल रहा है, ये रिएक्ट है, रिएक्ट के स्ट्रिक्ट मोड की वजह से ये दो दफ़ा चल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसको हटा दूं मैं स्ट्रिक्ट मोड को? अच्छा हाँ भाई, जिन लोगों को रिएक्ट पहले से आती है, ये चल तो रहा है लेकिन ये दो दफ़ा क्यों चल रहा है? ये देखो, ये रिफ्रेश करता हूँ, दो दफ़ा चलता है ये। हाँ भाई, नहीं पता ये, सीनियर बच्चों को भी नहीं पता है, और वो नहीं है सराज नहीं है। हाँ भाई, बहुत सारे लोगों को आती थी यहाँ पे तो रिएक्ट, चार पांच लोगों को, ये दो दफ़ा जो चल रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका कोई फ़ायदा नुकसान, कोई ऐसी चीज़, या इसको सही कर मैंने करना है? एक दोस्त ने कहा कि मैं स्ट्रक मोड हटा दूँ तो ये सही हो जाएगा। नहीं, ये जब भी दो दफ़ा ही चलेगा, डेवलपमेंट मोड में ये हमेशा दो दफ़ा ही चलेगा। हाँ भाई, गूगल कर रहे हो? गूगल करो, गूगल करो, पता लगाओ कि क्या चक्कर है।
हाँ भाई, क्या पता लगा? मिसिंग डिपेंडेंसीज ये बताना। नहीं, मिसिंग डिपेंडेंसी का चक्कर नहीं है। अच्छा चलो, अभी जो करने का काम है इस इफेक्ट के अंदर, वो तो करें ना हम पहले। इस इफेक्ट के अंदर हमने करना क्या है? इस इफेक्ट के अंदर हमने करना ही है कि इसमें हमने यूज़र की जो करंट लोकेशन है वो गेट करनी है, और उसके थ्रू हमने एक दफ़ा एपीआई खुद से कॉल कर देनी है ना, ताकि जैसे ही हो स्क्रीन लोड हो तो करंट सिटी का जो वेदर है ना वो पहले से ही आ जाए। अच्छा, यूज़र की लोकेशन गेट करने के लिए मैं कैसे करता हूँ? जावा स्क्रिप्ट गेट यूज़र लोकेशन, ठीक है, ओके। हाँ, ये W3 स्कूल वालों ने बताया था ना, इनका कोड ज़रा सिंपल सा होता है, तो बस दो एक लाइन दो लाइन का कोड है, वो हम यहाँ से उठा लेते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, ये इन्होंने देखो गेट लोकेशन करके ना एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजिशन, ये है एक लाइन का कोड जिससे आपको क्या मिल जाता है, ये शो पोजिशन पता नहीं क्या चीज़ है। हाउ एवर, अच्छा वो शो पोजीशन जो है वो एक्चुअली एक फंक्शन है जो उसके अंदर उसको चाहिए होता है शायद। अच्छा वेल, तो मैं इसको उठा के अपने पास आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई इफ़, ठीक है, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, ठीक है, इफ़ इसलिए लगा रहा हूँ कि समटाइम नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन शायद ना मिले, कि किसी डिवाइस में जियो लोकेशन हो ही ना, फीचर ही ना उसके अंदर, तो ये अनडिफाइंड मिल सकता है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग जियो सपोर्ट जियो लोकेशन इज़ नॉट सपोर्टेड इन योर ब्राउज़र। अब ये मैंने इस वक्त कॉन्सोल में लगाया है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको अलर्ट में दिखाना चाह रहे हैं, आप इसको कैसे दिखाना चाह रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा फिर मैंने बोला कि भाई नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजिशन को ना यहाँ पर इसने तो ऐसे दिया, लेकिन मैं क्या देता हूँ, मैं ख़ुद से एक फंक्शन बनाता हूँ, और इस फंक्शन में मुझे मिलता क्या है, पोजिशन मुझे पूरी की पूरी मिल जाती है इसमें, सही है। और इस पोजीशन को मैं क्या करवा देता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग करवा देता हूँ, सही है, पोजीशन और पोजीशन। आगे देखते हैं कि मुझे अब लोकेशन यूज़र की मिलना शुरू हो गई है कि नहीं हो गई। अच्छा, अब जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ ना, मुझसे ये लोकेशन के लिए क्या करता है, ये क्वेरी करता है, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अगर मैं अलाउ नहीं करूँगा तो वो मुझे लोकेशन नहीं देगा। अब जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे क्या होता है, यहाँ पर मुझे लोकेशन यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं मुझे और टाइम स्टैम्प मिलता है। टाइम स्टैम्प टाइम होता है, करंट टाइम मिली सेकेंड्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि जब भी देखो कोऑर्डिनेट दुनिया जो है ना वो असल में है, वैसे तो थ्री डायमेंशन है ना, लेकिन टोटल हमारी जो दुनिया में डायमेंशन है वो 7 डायमेंशन है, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, तो जो हमारे पास, जैसे आप बोलते हो ना कि यार कहीं आप किसी जगह का आपको बताना होता है कि यार ये लोकेशन है, तो लोकेशन आप एक्स वाई में बोलते हो, है ना, ये एक्स वाई में पूरा, असल में जो जियो कोऑर्डिनेट्स है ना वो मैं ज़रा दिखाऊँ आपको, अगर ये ग्लोब के ऊपर मैं जाऊँगा ना, तो ये देख रहे हो ये ग्लोब को ना एक्स वाई में डिवाइड मारा हुआ है पूरे को, ये इसका एक्स है और ये इसका वाई है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, असल में ये होता है, सही है, ऐसे यहाँ से 0 शुरू हुआ है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आई एम नॉट श्योर कि ये आखिर कहाँ तक गया हुआ है, 10 तक यहाँ मोस्ट पर, ये 100 तक गया हुआ है, ठीक है, इसी तरह यहाँ से ये 0 शुरू है, 1 2, ये ABCD करके भी इसको किया हुआ होता है कुछ मैप में, कुछ में 1 2 3 4 करके भी किया हुआ होता है, सही है, तो ये वाला सीन है, तो वो एक्स वाई की असल में लोकेशन है, लेकिन लेकिन मैंने अगर किसी से मिलना है किसी जगह पे, ठीक है, तो मैं लोकेशन बताऊंगा, साथ साथ में क्या बताऊंगा, टाइम भी तो बताऊंगा ना, तो टाइम भी एक डायमेंशन है, जो तीसरा डायमेंशन है हमारा वो असल में टाइम है हमारा, ठीक है, चौथा डायमेंशन है, बल्कि एक्स वाई जी एक तो है ना, अच्छा जी जो है वो तो 0 ही है, ये मुझे पता है कि अगर मैं किसी से मिल रहा हूँ तो मैं एक्स वाई जी तीनों बताऊँगा, एक्चुअली एक्स वाई जी में क्या करूँगा, मैं तीनों बताऊँगा ना, मैं कहूँगा कि लेटिट्यूड ये, लॉन्गिट्यूड ये और
200 फीट की बुलंदी भी नहीं मिल रहा हूँ मैं ज़मीन पे ही मिलूँगा, तो वो ज़ीरो जेड जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है, एक्स वाई जेड, ठीक है। लेकिन अब चौथी एक डायमेंशन है कि टाइम भी बताऊँगा मैं कि शाम को 4 बजे, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पे जहाज़ होता है ना, जब एयरप्लेन वगैरह या जो शिप होती है पानी वाली जहाज़, तो वो लोग जब अपना डिस्ट्रेस सिग्नल जब भेजते हैं तो उसकी लोकेशन जाती है एक तो कि जी एक्स वाई में इस वक्त कहाँ है, लेकिन वो लोकेशन जब तक वहाँ पहुँचेगी तो वो लोकेशन क्या हो चुकी होगी, चेंज हो चुकी होगी ना। तो वो लोकेशन के साथ हमेशा टाइम भेजते हैं कि जी मैं 4:01 पे इस लोकेशन पे था, क्योंकि पहुंचा तो वो 1.5-2 सेकंड बाद है ना मैसेज, या 5 सेकंड बाद पहुंचा है मैसेज। तो अब वो उनके पास सिस्टम होता है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि जी इतने बजे यहाँ था तो अब कहाँ होगा ये, ठीक है। तो वो जो डिस्ट्रेस सिग्नल होता है ना, हर 1 मिनट पे जो सिग्नल जा रहा होता है तो उसके साथ टाइम भी जा रहा होता है कि जी इतने टाइम पे ये लोकेशन थी मेरी, ठीक है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है कि जहाँ पे भी आपको कोऑर्डिनेट्स आपको भेज रहे होते हैं ना जहाँ पे भी, तो वहाँ पे साथ में आप टाइम भी भेजते हैं। तो ये बता रहा है कि जी इतने इतने बज के इतने मिनट पे ये कोऑर्डिनेट था इस डिवाइस का। अगर मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ तो जाहिर है वो जब मैं एपीआई कॉल करूँगा तो वो आधे सेकंड बाद, अगर डिवाइस ने रिस्पॉन्ड किया तो वो आधे सेकंड पहले की कोऑर्डिनेट्स मुझे बता रहा होगा। तो ये इस वजह से यहाँ पे टाइम आपको साथ साथ मिलता है। वेल, तो अब मुझे क्या क्या मिल गया यहाँ पे, मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स के अंदर मुझे एक्यूरेसी बता रहे हैं कि कितने मीटर एक्यूरेसी है, ठीक है। एल्टीट्यूड नल है क्योंकि मेरी डिवाइस के अंदर एल्टीट्यूड का सेंसर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जो अभी नए वाले iPhone 14 आए हैं उसके अंदर लगा हुआ है, उसके अंदर जब आप गेट करते हैं तो आपको एल्टीट्यूड भी मिलता है कि इस वक्त सतह समुंदर से कितनी ऊंचाई पर यह डिवाइस मौजूद है, वो भी आपको मिलता है, ठीक है। एल्टीट्यूड की एक्यूरेसी भी नल है, ठीक है। हेडिंग किस तरफ हेड है आपका, जैसे आप गूगल मैप खोलते हैं ना तो उसमें ऐसे टॉर्च सा बना हुआ रहता है, जो आपकी करंट लोकेशन क्या है टॉर्च सा बना हुआ रहता है, जब आप मूव करते हैं तो वो भी मूव करता है साथ साथ। तो वो वाला सेंसर भी शायद इसके अंदर नहीं है, इसलिए मुझे उसने नल दिया है। मोबाइल डिवाइसेज में ये सेंसर ऑन अदर हैंड होता है, ठीक है, एंड्रॉयड में भी, आईफोन में भी, सब में होता है ये। अच्छा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मेरा बता दिया इसने, और स्पीड नल है कि इस वक्त अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरी स्पीड क्या थी, तो वो इस वक्त नल है, ठीक है। तो ये वाली स्पीड, वैसे इसके लिए कोई एक्स्ट्रा सेंसर की शायद ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन स्टिल मुझे ये नल बता रहा है। तो वेल, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं इसके। अब W3 के डॉक्यूमेंट में जाके ना, जो क्या है वो MDN के डॉक्यूमेंट में जाके इसको आप मज़ीद डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि इनका एक एक का मतलब क्या है और किन डिवाइसेज में ये मिलता है, किन डिवाइसेज में ये नहीं मिलता है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इस कोऑर्डिनेट के थ्रू वेदर गेट करना है, अब सिटी के नाम के थ्रू नहीं करना मुझे। तो मैं वेदर API के अंदर जाता हूँ और कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ साथ, यार weatherapi.com लगाना पड़ेगा, ये आ गया। इसके मैं डॉक्स में जाता हूँ और डॉक्स में इनके मैं चेक करता हूँ कि इन्होंने कोऑर्डिनेट्स के थ्रू गेट करना लोकेशन बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है। एग्जाम्पल्स, ओके, ये इन्होंने लंदन लिख दिया यहाँ पे, और लंदन यहाँ पे भी लिख दिया इन्होंने। वहाँ पे आ रहा होता है, API एक्सप्लोरर ये रहा। अच्छा, इसमें लेकिन ये ऑप्शन तो नहीं दे रहा वो बोला। अच्छा, कह रहा है कि जी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जिप कोड पास कर सकते हो, पोस्टल IP एड्रेस, लेटिट्यूड स्लैश लॉन्गिट्यूड, डेसिमल डिग्री, सही है। तो एक काम करते हैं, आते हैं जल्दी से यहाँ पे और हम API की भी हिट करते हैं। अगर API की मेरी किधर है, ये नहीं, मेरी API की इधर लगाता हूँ मैं, और
HTTPS और JSON फॉर्मेट, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसको देने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने लैटिट्यूड दे दिया और स्लैश लॉन्गिट्यूड कॉमा, चलो दोनों ट्राई करते हैं। जिस पे ये चल पड़ा फोर हंड्रेड, अच्छा कॉमा लगा के देखते हैं, कॉमा ही होता है वैसे। ठीक है 200 आ गया और मेरे पास, हाँ सही है, कराची सिंध आ गया, ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया। तो बस मैंने क्या करना है, जहाँ पे मैं सिटी नेम लिखता था वहाँ पे मैंने बस अब ये लगा देना क्यू इक्वल टू कर। अच्छा जी सॉरी, सही है। अच्छा यहाँ पे आके मैं क्या कर देता हूँ कि जो है ना इस पूरी API कॉल को मैं, अच्छा मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसी गेट वेदर के फंक्शन को मैं ज़रा रीयूजेबल बना लूँ, लेकिन ये मेरे क्या है फॉर्म के सबमिशन के ऊपर चलने वाला फंक्शन है, तो इसको बेहतर ये है कि मैं ना छेड़ूँ, क्योंकि इसमें इवेंट को मैं प्रिवेंट भी किया हुआ है, मैंने सब कुछ किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो मेरी API कॉल है ना इसका पूरे की कॉपी बनाता हूँ, और कॉपी बना के उसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो इनपुट रेफ करके मैंने लिखा हुआ है इसमें मैं जाता हूँ, और इसमें जाके मैं लिखता हूँ पोजीशन डॉट कोऑर्डिनेट्स डॉट, पहले लैटिट्यूड था ना, पहले लैटिट्यूड सही है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद अगेन यही चीज़, और पोजीशन डॉट डॉलर नहीं लगाया मैंने, डॉट कोऑर्डिनेट्स डॉट लॉन्गिट्यूड, ठीक हो गया। तो मैंने ये पूरी API लगा दी, अवेट इस पर। अच्छा एक चीज़ और, अब यहाँ पे समझ लो कि जो यूज़ इफेक्ट है, इस यूज़ इफेक्ट के अंदर जो मैं ये फंक्शन पास कर रहा हूँ, इस फंक्शन को आपने कभी भी एसिंक नहीं बनाना है, सही है। अगर एसिंक कॉल करनी होगी आपको तो आप इस यूज़ इफेक्ट के फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, इस यूज़ इफेक्ट के फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन आप बनाएंगे, और उस फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे होंगे, ये लगा रहे होंगे एसिंक वगैरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि जी गेट डेटा की रेस लग जाती है इसलिए नहीं हो सकता, गेट करंट लोकेशन वेदर, डेटा की रेस लग जाती है भाई आपस में, ठीक है। डेटा की रेस ये होती है कि जी वो एक रिस्पॉन्स आता है, वो दूसरे डेटा को चेंज करता है, उससे दूसरा डेटा हिट होता है, और वो इनफाइनाइट लूप चल जाता है, ठीक है। ये इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में भी मेंशन किया हुआ है डेटा की रेस क्या होती है, तो थोड़ा सा इनफाइनाइट लूप से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको देख लेना अगर चाहो तो, ठीक है। लेकिन रूल ऑफ थम है कि इसको आपने एसिंक नहीं बनाना, डेटा की रेस लगती है, और एसिंक इसको बनाओगे तो एक वार्निंग भी जनरेट करता है वो। अगर मैं इसको एसिंक कैसे बना दूँ ना, तो यहाँ पे एक वार्निंग भी ये क्या करता है जनरेट करता है। ये मैंने लिखा है ना, जिसकी वजह से एरर आ रहा है, क्या इसने बोला, इसको मैंने एसिंक बना तो दिया, अब क्या मसला है वेट में, लाइन नंबर 22 पे पोजीशन के पहले लगेगा इधर, इसके बाद तो कॉल बैक, ओह यस हाँ यार ये तो यहाँ लगेगा, सही है सही है। ऊपर तो मुझे वैसे भी ज़रूरत नहीं है लगाने की, मैं अलग से फंक्शन बना रहा था बिला वजह, हाँ हाँ, क्योंकि इस यूज़ इफेक्ट के फंक्शन तो नहीं, इसके अंदर एक दूसरा फंक्शन है ये जो कि गेट करंट पोजीशन के अंदर उसको हम पास करते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है ठीक है, अब देखो क्या होता है, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करते ही मेरे पास ये दो दफ़ा API कॉल हो जाती है, और दोनों दफ़ा ये रिस्पॉन्स आ जाता है मेरे पास, ठीक है।
अच्छा अब मैंने क्या करना है, अब इस डेटा को डिस्प्ले करवाना है जो डेटा मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। इस डेटा को मैं कैसे डिस्प्ले करवाऊँगा, इस डेटा को मैं ऐसे डिस्प्ले करवाऊँगा कि ना डेटा सेट डेटा करूँगा मैं, ठीक है, और इसके अंदर मैं ये ऐसे कर देता हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है। पुराना डेटा तो मुझे पता है होगा ही नहीं, पेज अभी लोड हुआ है अगर तो पुराना डेटा नहीं होगा, मैं ऐसे करके इसको डिस्प्ले करा देता हूँ। उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा होगा गड़बड़। सही है। अच्छा ये कार्ड, अच्छा ये दो दफ़ा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वो मैंने पुराना डेटा नहीं रखवाया था। अगर मैं पुराना डेटा इस पर रखवाऊंगा ऐसे तो कार्ड दो दफ़ा आ जाएगा, ठीक है, कार्ड दो दफ़ा आ गया। अच्छा इस चीज़ को लेके ना बहुत सारे लोग बड़ा परेशान होते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये कार्ड जो है वो दो दफ़ा क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसका भाई सीधा सा मतलब ये होता है कि जब ये दो दफ़ा इस एपीआई को हिट करेगा ना, जब इस यूज़ इफेक्ट को क्या करेगा, ये दो दफ़ा जब चलाएगा तो आपका जो फंक्शनैलिटी जो आपने लगाई है ना, वो उसके दो दफ़ा चलने पे वो फंक्शनैलिटी बिल्कुल सही परफॉर्म होनी चाहिए। अगर वो दो दफ़ा प्रिंट हो रहा है स्क्रीन के ऊपर तो इसका मतलब है कि वो आपकी फंक्शनैलिटी गड़बड़ है। सही है, इसलिए जानबूझ के उन्होंने डेवलपमेंट के टाइम पे उसको दो दफ़ा चलवाया है। सही है, जानबूझ के उन्होंने ये काम करवाया है। अच्छा तो अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि या तो मैं एक अलग स्टेट बनाऊंगा, ठीक है, मैंने पुराना डेटा जो इसमें रखवाया है, अब पुराना डेटा रखवा, अच्छा अभी भी ये काम इसलिए मतलब गड़बड़ नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसको वो वाला तरीका नहीं किया, प्रीवियस वाला। इस वाले तरीके में तो अगर बैक टू बैक दो दफ़ा कॉल हो तो वो एक ही कंसिडर करता है उसको, है ना, जो काउंटर के टाइम पे हमने नोट किया था। तो अगर इसको मैं वो वाला कर दूँ ना, प्रीवियस वाला, प्रीवियस वाला, तो फिर तो ये बिल्कुल ही मसला कर जाएगा होपफुली, ठीक है। मैंने कहा भाई प्रीवियस डेटा लो और रिस्पॉन्स डॉट डेटा लगाओ और साथ में प्रीवियस जो डेटा था वो भी लगाओ, तो जब दो दफ़ा एपीआई हिट होगी तो पुराना और नया दोनों डेटा आ रहा होगा और कार्ड मेरा दो दफ़ा डिस्प्ले हो रहा होगा होपफुली, ठीक है, दो दफ़ा डिस्प्ले हो रहा होगा। अब लोग ना इसको लेके बड़ा परेशान होते हैं कि यार ये दो दफ़ा क्यों हो रहा है। भाई ये दो दफ़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने जानबूझ के ऐसा रखा है इसके ऊपर कि ये दो दफ़ा हो, ठीक है। तो अब इनका पॉइंट क्या है ये काम करने का, इनका पॉइंट ये है कि अगर इफेक्ट आपका दो तीन दफ़ा भी चलता है तो आपकी फंक्शनैलिटी उसकी वजह से ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फंक्शनैलिटी उसकी वजह से ख़राब हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपने कोड में कोई गलती की हुई है, तो उसको आप क्या करेंगे, सुधारेंगे, ठीक है। अब आ जाओ इस गलती को सुधार लेते हैं। इस गलती को सुधारने का मेरे केस में जो बेस्ट तरीका है वो तरीका ये है कि मैं एक दूसरी स्टेट बनाऊंगा। सही है, एक दूसरी स्टेट बनाऊंगा मैं, जिसका नाम क्या रख दूंगा मैं, के करंट वेदर, ठीक है, करंट वेदर और सेट करंट वेदर कर दिया मैंने, सेट करंट वेदर, और इसको रख दिया एम्प्टी एरे नहीं बल्कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट एक्चुअली। सही है, या मैं नल भी रख सकता हूँ इसको, एक ही बात है, इसको ना नल रख देता हूँ। चलो मैं शुरू में करंट वेदर मैंने एक अलग बना दिया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसमें नहीं करवाता, एरे में नहीं करवाता, बल्कि मैं कहाँ करवाता हूँ इसको, सेट करंट वेदर में करवा देता हूँ सेट, ठीक है जी। ये मेरे पास बिल्कुल एक अलहदा स्टेट है। अच्छा और अब जाहिर है यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि उस स्टेट को तो मैंने डिस्प्ले करवाया नहीं है, एपीआई रिस्पॉन्स आ रहा है लेकिन यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि इसको मैंने डिस्प्ले नहीं करवाया हुआ। अब मैं नीचे आऊँगा और नीचे आके मैंने जो अभी करंट मेरा डेटा है जो वेदर का, उसको मैंने कहाँ डिस्प्ले करवाना है, उसको मैंने डिस्प्ले करवाना है जहाँ पे वो होता था डिस्प्ले, वहीं करवाना है, ठीक है, जहाँ पे वो डिस्प्ले होता था उसी जगह पे करवाना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब यहाँ पे बंदा आके लिखे ना कराची ऐसे करके, तो मेरा जो करंट था वो नीचे चला जाए और जो नए वेदर के कार्ड्स हैं वो ऊपर शो हों, ठीक है। तो मुझे कुछ इस तरह का मैं काम करवाना चाहता हूँ, ठीक है, जब ऐसे करें तो यहाँ पे ऊपर कार्ड आ जाए और मेरा वाला नीचे चला जाए। तो इसका मतलब है कि जो मैप चलवाता हूँ मैं, अगर उसके मैं बिल्कुल मैप के फ़ौरन बाद अगर करूँगा तो ये चीज़ अचीव हो जाएगी, हो जाएगी ना। अगर मैं यहाँ पे जो मैप चलवाता हूँ ये वाला, इसके मैं बाद में आके अगर और इसको प्रिंट करवा दूँ मैं, किसको, करंट वेदर का जो था मेरे पास, ऐसे करके प्रिंट करा दूँ कि भाई करंट वेदर अगर मौजूद है तो ये वेदर का कार्ड डिस्प्ले करा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अब मेरी वो चीज़ अचीव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसमें हो रहा ही है कि वो
शुरू में जब API कॉल नहीं होती तो वो ज़रा खाली दिखा रहा है उसको, इसको हम हैंडल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, इन चीज़ों को हम हैंडल क्या कर लेंगे, कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको मैंने जावास्क्रिप्ट नहीं बनाया था इस वजह से ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो शुरू में नहीं आ रहा, उसके बाद आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे जब लिखता हूँ लंदन, एंटर करता हूँ तो लंदन ऊपर आ जाता है, मेरा वाला नीचे चला जाता है। ये करंट लोकेशन से गेट हुआ है ये, और ये मैंने फॉर्म से लिख के गेट करवाया। अच्छा, इसको बेहतर ये है कि मैं टर्नरी से करवाऊँ, इसमें भी एंड एंड लगाया हुआ है, एंड एंड भी ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि उसको मैं टर्नरी से करवाऊँ। अच्छा, अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे पास कि जो है ना ये नो डेटा स्टिल लिखा हुआ आ रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ ना तो यहाँ पे ये नो डेटा स्टिल लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे कोई ऐसा जुगाड़ करना है कि ये नो डेटा ना लिखा, अगर ये प्रिंट हो जाता है जस्ट इन केस, तो ये नो डेटा लिखा हुआ ना है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे करूँगा, इस वाले के अंदर मुझे कोई चेंजेस कुछ ना कुछ करनी पड़ेंगी। हाँ भाई, समझ आ रहा है क्या हो गई है? हाँ, सही है। ये मेरे पास मैंने टर्नरी ऑपरेटर लगाया हुआ है कि भाई अगर डेटा डॉट लेंथ हो तो ही मैप चलाओ, अदरवाइज नो डेटा दिखा दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दूँगा। मैं एक और कंडीशन क्या लगा दूँगा कि भाई अगर डेटा डॉट लेंथ हो और स्क्रीन क्या हुआ, रुक गई है, दोबारा शेयर कर देता हूँ, रोक के मैं। ठीक है, मैं वापस इसको कट करता हूँ। मैंने कहा था कि डेटा डॉट लेंथ हो तो ये वाला मैप चलाओ, अदरवाइज नो डेटा दिखा दो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं ऐसे और करके यहाँ पे करंट वेदर भी लगा दूँ। मैंने कहा भाई डेटा की लेंथ हो या करंट वेदर हो तो ये मैप चला दो और नो डेटा को डिस्प्ले ना कराओ, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि अगर मिसाल के तौर पर डेटा की लेंथ नहीं है तो मैप स्टिल चलना शुरू हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि मैं इसके लिए फिर एक अलग टर्नरी ऑपरेटर लगा दूँ। मैं यहाँ पे आके ना, जैसे ये इज लोडिंग लगाया हुआ था मैंने, तो इज लोडिंग के अंदर मैं ये अलग से बात लिख दूँ, ठीक है ना भाई, कि डेटा डॉट लेंथ या हो अगर या करंट वेदर हो, ठीक है, तो आप जो है वो क्या करो, यानी नो डेटा वाला जो पार्ट था ना, यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से मैंने इसको नल कर दिया। मैं नो डेटा वाला पार्ट जो है, ठीक है, नो डेटा वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे अलग कर दिया कि जी एक सर्टन कंडीशन पे मैं नो डेटा यहाँ दिखाता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं दिखाता। जैसे लोडिंग को मैंने बिल्कुल अलग रखा हुआ है, इस तरह मैंने उसको बिल्कुल अलग कर दिया। तो मैंने कहा भाई डेटा डॉट लेंथ अगर ना हो, अगर नॉट डेटा डॉट लेंथ, ठीक है, ये भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक दूसरा काम भी कर सकता हूँ कि मैं इस वाले पार्ट में ना लिखूँ, मैं फॉल्स वाले पार्ट में लिख दूँ इसको, और यहाँ पर मैं नल करा दूँ, ठीक है। अगर डेटा डॉट लेंथ हो या करंट वेदर हो तो नल हो जाइए, अदरवाइज़ नो डेटा दिखा दो, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने नो डेटा का वाला पार्ट ही मैंने अलग कर दिया। अच्छा, अब यहाँ क्या लिखता हूँ मैं इस मेन टर्नरी ऑपरेटर के अंदर, अब मैं इस मेन टर्नरी ऑपरेटर के अंदर ये लिखता हूँ आके, जो मेरा जो डेटा डिस्प्ले कराने वाला है, कि मैं बोलता हूँ भाई डेटा डॉट लेंथ हो और करंट वेदर हो, ठीक है। तो मैं क्या, अच्छा करंट वेदर की अब इसमें ज़रूरत नहीं है ना मुझे, ये तो वही हो गया ना पहले वाला, ठीक है। मैंने कहा डेटा डॉट लेंथ हो तो इसको चलाओ, अदरवाइज़ ना चलाओ। तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अलहदा अलहदा हो गई हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसको मैंने इस लोडिंग पे करवाया हुआ है, इसको मैंने जो है ना वो उस पर करवाया हुआ है कि जी करंट वेदर अगर हो, और इसको मैंने जो है डेटा डॉट लेंथ पे चलवाया हुआ है, और इसको मैं कब चलवाता हूँ, इसको भी मैं करंट वेदर पे चलवाता हूँ कि अगर करंट वेदर है ना तो इसको डिस्प्ले करा दो, अदरवाइज़ डिस्प्ले इसको ना करवाओ। तो ये सारे अलग अलग हो गए। तो अब मेरा ये नो डेटा वाला जो इशू है ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। शुरू में नो डेटा आता है, लेकिन जैसे ही मेरे पास जो करंट वेदर गेट हो जाता है तो वो नो डेटा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, अच्छा लोडिंग क्यों आना बंद हो गई है मेरे पास, अच्छा लोडिंग इसलिए आना बंद हो गई है कि लोडिंग को तो ट्रू मैं जब करवाता हूँ जब फॉर्म सबमिट होता है ना, लोडिंग को तो जब मैं ट्रू कराता हूँ जब फॉर्म सबमिट होता है, अच्छा। लेकिन मुझे यहाँ पे शायद मुझे लोडिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज और सम हाउ मेरे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल पाते हैं और वो नहीं स्क्रीन पे डिस्प्ले हो पाता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील,
ठीक है, बंदा लिखेगा और लिख के गेट कर लेगा, और वैसे भी वो अगर उसने वेदर अलाउ नहीं किया हुआ तो वो वैसे भी नहीं चल रहा होगा उसके पास, ठीक है। तो इस केस में मैं लोडिंग नहीं लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन केस टू केस ही वेरी करता है, हो सकता है आप लोडिंग लगाना चाह रहे हो, ठीक है, कि आप लोडिंग दिखाएं पहले, उसके बाद आप फेल भी दिखाएं उसी जगह पे, कि भाई गेटिंग वेदर ऑफ करंट लोकेशन ऐसे लिखा हुआ है, लोडिंग चल रहा हो, और अगर वेदर आ जाए तो कार्ड आ जाए, अदरवाइज वो फेल हो तो बाकायदा दिखाएगा कि भाई फेल हो गया, आप अपने वेदर को अलाउ करो, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आप सोच सकते हैं वो यहाँ पर क्या हो सकता है, वो हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब लोगों को बात समझ आ गई कि यूज़ इफेक्ट कैसे चलता है। यूज़ इफेक्ट जो है वो जब पेज लोड होता है उसके ऊपर अगर मैंने कोई काम करवाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, इस यूज़ इफेक्ट के फंक्शन के अंदर उसको हम चला रहे होते हैं, ठीक है। और यूज़ इफेक्ट जो है वो डेवलपमेंट मोड में जो डबल डबल चल रहा होता है वो ये मेक श्योर करने के लिए चल रहा होता है कि उस डबल चलने में आपकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल सही काम करनी चाहिए। अगर उस डबल चलने की वजह से कोई चीज़ आपकी स्क्रीन पर डबल हो रही है या कोई और गड़बड़ हो रही है तो इसका मतलब है कि आपने उस यूज़ इफेक्ट के कोड को चेंज करना है और उस लॉजिक को ऐसा बनाना है कि अगर वो दो तीन दफ़ा भी चले बैक टू बैक तो आपकी लॉजिक में कोई इशू ना आए। कंपोनेंट की जो CSS लिख रहे हो कहाँ लिख रहे हो? हाँ अच्छा, कंपोनेंट जब हम बना रहे होते हैं ना, वापस आ जाता हूँ मैं इधर वेदर कार्ड डॉट GSX में। देखो जब मैं ये कंपोनेंट बना रहा हूँ ना तो हर कंपोनेंट के अंदर उसका जो मॉडल व्यू और कंट्रोलर है वो एक जगह पे होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये कार्ड यहाँ बनाया, इसका GSX सारा का सारा यहाँ है और इसकी CSS सारी की सारी यहाँ है। ऐसा करने से ये होता है कि आपका ये जो कंपोनेंट है ये रीयूजेबल रहता है फिर, ठीक है। आप कहीं भी इसको इम्पोर्ट करोगे इसकी डेडिकेटेड खुद की CSS है, ये कहीं और से CSS नहीं लेता। लेकिन अगर आप ये ऐसा कर देते हो कि आपने बोला कि यार यहाँ पे मैं जो CSS लगा रहा हूँ वेदर कार्ड, अब मैं कहीं पे कार्ड के नाम से क्लास बना लूँ और उसको मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँ फिर कहीं और भी यूज़ करूँ, ऐसा हम ना मुनासिब नहीं है करना, ऐसा करना जो है वो मुनासिब नहीं है। ऐसा करने से फिर ये होता है कि आपका ये कंपोनेंट रीयूजेबल नहीं रहता। अच्छा, लेकिन ऐसा एक सूरत में आप कर सकते हैं कि अगर आप अपने उस CSS को भी पोर्टेबल बना दें, ठीक है। जैसे कि बूटस्ट्रैप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप की चीज़ें यहाँ पे आप इंपोर्ट करके लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी बूटस्ट्रैप में भी जो रेकमेंडेड होता है ना वो रिएक्ट बूटस्ट्रैप होता है कि जी अगर बूटस्ट्रैप का बटन आप लगा रहे हैं ना इस वेदर विजेट के अंदर तो आप क्या करते हैं ऊपर बटन को इम्पोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट करके डायरेक्ट प्लेस करते हैं उसको। तो जब वो इम्पोर्ट होता है तो उस बटन की CSS अपने साथ लाता है वो, आप इधर नहीं लिखते उसकी CSS, ठीक है। वैसे तो बूटस्ट्रैप क्लास बेस्ड चलती है लेकिन रिएक्ट में जब हम बूटस्ट्रैप लिखते हैं तो क्लास नहीं लगाते फिर हम, क्लास यानी आपका वो नहीं लगाते, CSS नहीं लिखते हम, सेम क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेदर कार्ड के नाम से क्लास लिखी है ना तो मैं कोई दूसरा कंपोनेंट बनाऊंगा उसमें मैं इसी नाम से क्लास लिखूंगा, वो इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी कॉन्फ्लिक्ट? वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि क्लास का जो नाम है, वेरिएबल का जो नाम है, ये सारा का सारा आइटम ये मिनिफिकेशन के अंदर इसके नाम को चेंज कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर ये वेदर कार्ड है ना, जो इसका नाम शायद 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है, या 1 हो जाएगा, पहली क्लास है ना 1 हो जाएगा इसका नाम, फिर जो दूसरी क्लास है उसका नाम हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे वो 1, 2, 3, 4 करके नाम कर देता है उसको। तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, अदरवाइज़ तो वो कर भी सकता है कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन इस वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पे जो एम्प्टी एरे इस वक्त दिया हुआ है मैंने, इसके अंदर मैं किसी स्टेट का नाम पास कर दूँगा, जैसे मैं बोल दूँगा डेटा, ठीक है। अभी तो डेटा करूँगा तो ये मतलब वो नहीं होगा, लेकिन जैसे डेटा मेरे पास एक स्टेट है ना यहाँ पे इस जगह पे, तो ऐसे स्टेट का मैं नाम बता दूँगा। अच्छा, कॉमा कॉमा करके मैं 3-4 स्टेट का भी नाम बता सकता हूँ, सही है। तो इन स्टेट में से कोई भी स्टेट चेंज हुई ना अगर, तो जैसे कि री रेंडर होता है ऐसे ही ये इफेक्ट दोबारा चल जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये होता है कि आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है और आप कहते हैं कि जी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखूं, सबमिट दबाऊं तो वो दोबारा से आए, तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए। और वो अभी होपफुली कहीं ना कहीं हमें उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, अभी आगे जो हम चैट ऐप बनाने जा रहे हैं शायद उसमें हमें
वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम वन टू वन चैट नहीं बना रहे। वन टू वन चैट में तो डेफिनेटली उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, लेकिन हम वन टू वन चैट नहीं बना रहे। हम ये करेंगे जैसे यहाँ से लिखेंगे सर्वर पे जाएगा, सर्वर से एक डमी रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो ये हमारी चैट ऐप कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ी सी उसकी UI बना लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वो जो डमी रिस्पॉन्स है वो डायलॉग फ्लो सीखने के बाद फिर उसका उस डमी रिस्पॉन्स को डायलॉग फ्लो के रिस्पॉन्स से हम चेंज करेंगे, ठीक है। स्टिल अगर जो है ना ये इस कॉल्ड डिपेंडेंसी एरे, ठीक है, तो इसको आप अलग से स्टडी कर सकते हैं। असल में रिएक्ट को मैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना चाह रहा हूँ इस क्लास में, ठीक है, उतना ही कवर करना चाह रहा हूँ जितने की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, और उतना ही कवर करना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे रिएक्ट कवर करने का मकसद क्या है चैट बॉट की क्लास में, वो मकसद ये है कि यार जब आप चैट बॉट लगाओगे ना तो आप किसी ना किसी वेबसाइट पे ही लगाओगे, और वेबसाइट इस वक्त 80-90% जो है ना जो नए स्टार्टअप्स हैं वो सारे रिएक्ट पे चल रहे हैं, ठीक है। तो आप जब रिएक्ट की ऐप आपको मिले ना चैट बॉट लगाने के लिए, तो आपके हाथ पैर ना फूल जाएं, है ना। वरना जिस बंदे को रिएक्ट नहीं आती है उसको ये यूज़ इफेक्ट नहीं पता, वो तो देखेगा इसको बोलेगा ये क्या है, उसको ये स्टेट नहीं पता वो तो पागल हो जाएगा स्टेट देखते ही, बोलेगा यार ये क्या हो रहा है इसके अंदर, ये तो एरे है या पता नहीं क्या है, ये फंक्शन है, उसको समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए ये पढ़ाना यहाँ पर ज़रूरी था, तो इतना ही मैं कवर कर रहा हूँ जितनी यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी एरे की अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है यहाँ पर। अब हम एक चैट बॉट बनाएंगे, उसको रिएक्ट की ऐप के साथ इंटीग्रेट करेंगे, वहाँ तक अगर मुझे किसी पॉइंट पर ज़रूरत पड़ गई तो मैं डिस्कस कर लूँगा, अगर नहीं पड़ी तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगर आपने स्टिल ये वाला इसको स्टडी करना है तो ये वेब डेवलपमेंट वाली क्लास में इसको मैं डिटेल में कवर करता हूँ, जो डिपेंडेंसी आ रहे वो, ठीक है। बैच 8 वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप जो जिस पार्ट रिएक्ट, जाहिर उसमें दिख रहा होता है कि जैसे रिएक्ट शुरू हो गई और रिएक्ट में कंपोनेंट हो गए और जो डायनेमिक कंपोनेंट हो गए, तो एक सर्टेन पॉइंट पे आके उसमें यूज़ इफेक्ट होगा और डिपेंडेंसी एरे का जिक्र होगा, तो वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं बड़े आराम से। इंटरनेट पे भी बहुत रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन ये कि अब आप इस काबिल हो गए, रिएक्ट अब आपने इतनी पढ़ ली है यहाँ पे, अब आप इस काबिल हो गए कि इंटरनेट पे जाके ना मज़ीद इसकी लर्निंग कर सकते हैं, वरना शुरू में ये होता है कि आपको हेड स्टार्ट नहीं मिल पा रहा होता। जी, क्या फंक्शन? हाँ, क्लीन अप फंक्शन जो है। नहीं, जिस कंपोनेंट में ये है उसी से ताल्लुक है इसका, दूसरे कंपोनेंट्स। हाँ, अच्छा, मुझे ये एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा कि ये कंपोनेंट के एंड में चलता है या ये शुरू में चलता है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का नाम बता देता हूँ मैं, आप अलग से गूगल करना है, इसको कहते हैं लाइफ साइकिल, ठीक है। रिएक्ट के कंपोनेंट का एक लाइफ साइकिल होता है कि जब कंपोनेंट रन होगा तो पहले क्या चलेगा, उसके बाद क्या चलेगा, उसके बाद क्या चलेगा, और उसके बाद क्या चलेगा, ठीक है। तो वो लाइफ साइकिल कहलाता है, वो आप देख लेना लाइफ साइकिल का सीक्वेंस क्या है, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि जो है ना ये कितने नंबर पे आता है। अच्छा, क्लीनअप जो फंक्शन है ना दोस्त, वो ये है कि अगर मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ करता हूँ, जैसे मैंने एक इवेंट पे रजिस्टर कर लिया, ठीक है, मैंने यूज़ इफेक्ट जैसे ही चला मेरा पेज जैसे ही लोड हुआ, मैंने माउस के इवेंट पे एक रजिस्टर कर लिया। अब माउस हिलता है तो इसके अंदर एक फंक्शन मैंने अटैच किया हुआ, वो चलता है साथ में, ठीक है। या मैंने क्या किया, फायरबेस का कनेक्शन बना लिया, ठीक है, या मैंने सॉकेट का कोई कनेक्शन बना लिया जो कि क्या है, लाइव कनेक्शन है। तो अब जब जब वो यूज़ इफेक्ट जितनी दफ़ा चलेगा ना, वो उतनी दफ़ा नए नए कनेक्शन बिल्डअप करना शुरू कर देगा, ठीक है। मतलब एक यूज़ इफेक्ट के अंदर एक कोड है ना, मैंने कहा भाई सॉकेट डॉट कनेक्ट, वो कनेक्ट हो गया। अब जब दोबारा कंपोनेंट जब भी रीरेंडर होगा, वो यूज़ इफेक्ट दोबारा चलेगा, या डबल डबल दफ़ा जैसे भी चल रहा था, तो वो क्या करेगा, दोबारा वो डॉट कनेक्ट चलेगा, वो नया कनेक्शन बना देगा, फिर दोबारा डॉट कनेक्ट बनेगा, नया कनेक्शन बना देगा। तो वो थोड़ी देर में क्या होगा, 150-200 कनेक्शन बने हुए होंगे, जो कि मेरे सर्वर के लिए इशू हो सकता है और मेरे फ्रंट एंड के लिए भी हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि जाहिर है जब इतने सारे कनेक्शन है वो सारे एक साथ आएगा, यानी जब कोई नया डेटा आएगा ना सॉकेट पे, तो मेरे पास अगर मैंने कंसोल पे उसको प्रिंट करवाया तो 200 कंसोल आएंगे एक साथ, क्योंकि वो सारे कनेक्शन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लास्ट में इसके रिटर्न लिखते हैं, और रिटर्न लिख के यहाँ पे एक फंक्शन बना के इसको दे देते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या लिख देते हैं, सॉकेट डॉट डॉट क्लोज, या जो भी उसका डिस्कनेक्शन का जो तरीका है ना, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसको क्लीन अप कहते हैं, ठीक है, ताकि जब दूसरी दफ़ा चले तो ये पहले इसको चलाता है, तो जो पहले से कनेक्ट हुआ है उसको डिस्कनेक्ट हो जाता है वो। जैसे ही मेरा कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होता है, मेरा कंपोनेंट एक तो लोड होता है ना, डिस्ट्रॉय भी तो होता है कभी ना कभी, मतलब मैं इस पेज से मूव करके किसी दूसरे पेज पे चला गया तो मेरा कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होता है। तो जब पेज लोड होगा जैसे ही, तो यूज़ इफेक्ट चलेगा, और जैसे ही मैं पेज को छोड़ के जाऊँगा जब डिस्ट्रॉय होगा ये कंपोनेंट, तो ये रिटर्न चलेगा उसके बाद।
अच्छा अगर उसी पेज पे खड़ा हुआ हूँ मैं छोड़ के नहीं गया, लेकिन किसी भी वजह से री रेंडर होता है अगर कंपोनेंट, तो री रेंडर होने से पहले वो डिस्ट्रॉय होता है, तो डिस्ट्रॉय होगा ना जब, तो ये वाला फंक्शन उस वक्त चल जाता है, तो वो क्या करता है जैसे ही री रेंडर होता है तो पहले से जो कनेक्ट सॉकेट है वो इसके अंदर रिमूव हो जाता है, फिर जब यूज़ जब नए सिरे से जब री रेंडर होता है तो यूज़ इफेक्ट दोबारा चलता है और वो दोबारा से कनेक्शन बना लेता है। सही है, ये क्लीनर फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा किसी का और कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। डिपेंडेंसी एरे अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अच्छा मल्टीपल यूज़ इफेक्ट बिल्कुल हम लगा सकते हैं, अगर मैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न चाहता हूँ ना, जैसे अब देखो ये एक यूज़ इफेक्ट है ना, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ लोकेशन गेट करता हूँ, एपीआई कॉल करता हूँ, डेटा लाके स्टेट में रखवा देता हूँ। अब मैंने अगर मिसाल के तौर पे एक और ऐसा काम करना है जो पेज लोड होने पे कराना है, तो मैं इस यूज़ इफेक्ट में उसको नहीं करूँगा, क्योंकि एक यूज़ इफेक्ट को मैं क्या करता हूँ एक पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ। अगर मैं उसमें मल्टीपल फंक्शनैलिटी डाल दूंगा तो वो मिक्सअप हो जाएगी आपस में, थोड़ा रीडेबिलिटी का इशू है। तो इस चीज़ को देखते हुए इन्होंने ये अलाउ किया हुआ है कि आप दो तीन चार यूज़ इफेक्ट भी आप लगा सकते हो। अच्छा फिर दूसरा रीज़न उसका ये है दो तीन यूज़ इफेक्ट लगाने का, कि अगर देखो अब ये वाला जो लॉजिक है ना, ये पेज लोड होने पर एक दफ़ा तो चल गई, लेकिन इस लॉजिक को अगर मैंने रिपीट करवाना है तो मैं क्या देता हूँ डिपेंडेंसी एरे में स्टेट का नाम बताता हूँ कि जी ये स्टेट चेंज हो तो उसको आप रिपीट कर देना। तो अगर मैं इसमें लोकेशन भी गेट करके वेदर मंगा रहा हूँ और कोई दूसरा भी काम कर रहा हूँ, दोनों रिपीट हो जाएगा, मैं दोनों को रिपीट नहीं करवाना चाहता जस्ट इन केस, तो फिर मैं वो दूसरे वाले के लिए अलग यूज़ इफेक्ट बनाऊंगा, उसके अलग डिपेंडेंसी एरेज होंगे। ठीक है, इसका अलग डिपेंडेंसी एरे होगा, उसका अलग होगा, हो सकता है उसमें डिपेंडेंसी एरे ना हो कोई, वो जस्ट पेज लोड होने पर चलता हो, दैट्स इट, उसके बाद दोबारा कभी रिपीट ना होता हो। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए मल्टीपल यहाँ पे यूज़ इफेक्ट लगाने का ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है। जी नहीं, डिपेंडेंसी एरे अगर तो मैं हटाऊंगा ना तो उससे अब पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या होता है, लेकिन कुछ गड़बड़ होती है उससे, मोस्ट प्रॉब्ली ये इनफाइनाइटली है ना, इनफाइनाइट हो गया ना, हो तो गया। अच्छा जी हाँ भाई, मॉड्यूल सी एस एस कैसे लगता है, कैसे लगता है वो? नहीं, फाइल के नेम में मैं क्या लगा दूँ, डॉट मॉड्यूल, कोड में क्या चेंज करूंगा अब मैं, डॉट मॉड्यूल के ना। अच्छा, इंपोर्ट स्टाइल्स मिला के स्टाइल्स, अच्छा स्टाइल जस्ट स्टाइल, हाँ अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके होगा और डॉट वेदर ऐप कार्ड, पूरा नाम लिखूंगा इसका मैं और डॉट मॉड्यूल भी लगाऊंगा। ये वाला ऐसे, अच्छा ये हो गया स्टाइल, अब इसको क्या करूँ मजीद में, हाँ स्टाइल्स डॉट करके मैं ये लगाऊं, अच्छा एक और जगह मैंने क्लास लगाई थी ना, क्लास नेम तो मैंने सब जगह लगाई हुई है, लेकिन शायद यूज़ मैंने सिर्फ टेम्प वाले को ही किया है। सही है, आगे देखते हैं। हाँ यार सही है, सही है। नहीं इसके लिए क्या मुझे मॉड्यूल डॉट सी एस एस लगाना ज़रूरी था क्या? नहीं, अगर मैं मॉड्यूल ना लगाऊँ, मैं सिर्फ वेदर डॉट सी एस एस लगा दूँ, हाँ तो भी तो ये सही काम करेगा ना आई थिंक। तो किसी और अगर जगह पे वेदर कार्ड की क्लास होगी तो वो
अच्छा अगर हाँ नहीं, अच्छा मैं मॉड्यूल हटाता हूँ तो ये चलना बंद हो जाता है अच्छा हाँ, यहाँ पे मॉड्यूल तो मैंने लिखा नहीं है लेकिन उधर मॉड्यूल मुझे लगाना पड़ रहा है। नहीं वो तो वेदर डॉट सी एस एस वाला तो मुझे चाहिए भी नहीं ना। मॉड्यूल्स में ऐसा ही है, ऐसी मॉड्यूल है। अच्छा इंपोर्ट में भी गलत हुई है, वो इंपोर्ट तो सही है। ओके यार ये जस्ट उसके नाम से ही डिफरेंस आ रहा है, मॉड्यूल लिखने से डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं फाइल के नाम से और यहाँ से दोनों से एक साथ भी मॉड्यूल हटाता हूँ तो वो नहीं चलता है। अच्छा मॉड, हाँ अच्छा मे भी, हाँ बिल्ड की कमांड में शायद उसने नाम इस तरह लिखा होगा कि मॉड्यूल डॉट सी एस एस हो तो उसको बिल्ड करो। अच्छा एक इसके अंदर रिएक्ट में ना यूज़ स्टाइल करके भी एक होता था शायद, वो किसी ने देखा है यहाँ पे? अच्छा वो एम यू आई का, हाँ नहीं वो भी अच्छा आइटम है। उसमें ये होता है कि इसी के अंदर ही ना यहाँ पे हम पूरा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, तो उससे भी ज़रा ना लाइब्रेरी के थ्रू होता है वो। क्या नाम है उस लाइब्रेरी का? नहीं मटेरियल यूआई के अलावा मैं अगर प्लेन रिएक्ट के अंदर ये किसी ने किया है काम, स्टाइल डी कंपोनेंट स्टाइल्ड होता है, स्टाइल डी करके चीज़ है उसके ज़रिए ना ये काम होता है कि आप इसी में ही ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को डॉट डॉट करके, जैसे ये अप्लाई किया ना स्टाइल्स डॉट वेदर कार्ड इस तरह करके डॉट डॉट करके होता है, तो शायद इन्होंने उसी की सपोर्ट बिल्ट इन देने की कोशिश की है इस तरह करके ना। एक चीज़ होती है स्टाइल डी, स्टाइल डी कंपोनेंट। वेल ये तो स्टाइल डी इटसेल्फ जो है ये तो बड़ी लंबी स्टोरी है इसकी, इसमें तो पूरा कंपोनेंट बनाते हैं हम ना और उसी के अंदर हम जो है ना वो स्टाइल डी करके पास कर रहे होते हैं स्टाइल। वेल चलो यार आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भैया, अल्लाह हाफिज़।